नमस्कार। गरम मसाला घर पर कैसे बनाए ये विधि आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें यह सामान लेना है, 10-12 ग्राम जावंत्री, 10-12 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम पिंपल और 20-25 ये तेज पत्ता। अब मैं सभी मसालों को 2-2 मिनट के लिए सेक रही हूँ। इलायची डाल दिया और इसको 2 मिनट के लिए मैं सेक रही हूँ। इसी तरह मैं इन सारे मसालों को 2-2 मिनट के लिए सेक लूँगी। और ये अदरक मैंने घर में बनाया है, अदरक को मैंने सुखा लिया है और इसका मैंने सौंठ बनाया है। इस तरह से मैंने इन सारे मसालों को सेक लिया है। अब 5 मिनट के लिए इन्हें ठंडा होने देंगे, बाद में मिक्सी में चलाएंगे। अब 5 मिनट बाद ये हमारे मसाले सारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से मैंने ये सारा मसाला पीस लिया है और इसको 10 मिनट ठंडा होने के बाद में एयर टाइट डब्बा में डाल दूंगी। ये मसाला मेरे साल भर चलता है और सब्जी में डालती हूँ तो इसकी इतनी अच्छी महक होती है कि घर में लगता है कि सब्जी का टेस्ट ही बदल गया है। तो आप ये अपने गरम मसाला सब्जी में जब भी डालें, अपना घर में बनाया हुआ मसाला डालें।